फिर से सुबह सुबह निकल आए तो लालच दे के इसको अंदर जो है वो डालेंगे। ये मैंने भिंडी अंदर डाल दी, अभी खुद ही चला जाएगा अंदर। इसका दरवाज़ा जो है वो दूसरी साइड करना पड़ेगा फिर से, वरना ये निकल आता है। दरवाज़ा इसका दीवार की साइड हो गया है, अब ये नहीं निकल पाएंगे कितनी भी कोशिश कर लें। और लालची देखो भिंडी कैसे खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बाहर मैंने मुर्गियों को जो है वो खोल दिया हुआ है, तो मुर्गियाँ इधर उधर भाग चुकी है। तो देखते हैं कौन सी मुर्गी कहाँ पे है। अभी ये देखें, तीनों मुर्गियाँ तो इधर जा चुकी है कज़न वाले के घर। ये दो मुर्गियाँ इधर है, वाइट वाला चूज़ा अभी इधर है। इसको रात रैबिट के साथ नहीं, अलग केज में, अकेले केज में बंद किया था, और उसके बाद वो वाला बाहर निकल आया। अभी तो सारे अभी पता नहीं किसने भगाया है इसको, तो वहाँ से वापस आ गए। ये जो है सुबह से बैठी हुई थी इधर पर, अभी तक इसका कोई अंडा जो है वो नहीं आया, तो इसको रहने देते हैं अपने हाल पे। देखते हैं कल तक इसका अंडा आता है कि नहीं आता। इनको अभी हमने नीचे रख दिया है। उसके बाद ये जो हैं इधर बैठे हुए हैं, हमारे लैला मजनू जो हैं और डेविल पैरट और उसकी वाइफ इधर हैं। सुबह से तुम नाराज़ से अब क्यों शुरू हो गया, अब देखें। अभी शुरू हो गया, वैसे तो नाराज था सुबह, और ये भी देख रहा है। इनका जो है वह देखते हैं कि अंडा दूसरा आया है कि नहीं आया फीमेल्स का। तो माशाल्लाह से दो दो अंडे आ गए इसके, इसने जो है ना दूसरा अंडा भी दे दिया। तो माशाल्लाह ये गुड न्यूज़ है कि इसका जल्दी से जल्दी दूसरा अंडा भी आ गया। अभी इंशाल्लाह बच्चे भी जल्दी आ जाएंगे कुछ ही दिनों में। उसके बाद ये देखिए, और ये जो पेयर है ना वो इनके बच्चों को मार रहा है। इनका बच्चा इनका वाला जो ये वाला बच्चा है ना, ये भी ये पाल रहे हैं, फिर भी जो है ना ये वाला पेयर इनके बच्चों को मारता है। ये देखिए, ये यहाँ पे बैठा हुआ है ना, इसको भी मारा है। और इनका जो बड़ा वाला बच्चा है ना, ये रहा, इसको भी मारा है। ये देखिए अपने बाप के साथ बैठा हुआ है, अभी इसको भी ये वाला पेयर मारता है। अभी भी इसके ना चोंच में देखें के पर आए हुए, और ये तो पूरा दिन इधर बैठी रहती है। ये मेल है, तो ये पूरा दिन इधर बैठा रहता है, बाकी सारे जो इधर है। तो अभी इसका भी अंडा चेक करते हैं। और माशाल्लाह मुझे दूर से ही दिख गया, इसका भी दूसरा अंडा आ गया। देखें इसके दो अंडे हैं, एक पुराना वाला और ये वाला नया अंडा लग रहा है। ये वाला जो है ना आज का अंडा लग रहा है। तो इनके भी माशाल्लाह से दूसरा अंडा आ गया। तो मुझे इनके बच्चों का ज़्यादा इंतज़ार है। पहले वाले बच्चे भी इसके बेचारे के मर गए, और जिस मैंने बच्चे को दिए थे ना, उसके पास बारिश की वजह से सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया। हमारे डायमंड डव, हमारे ऑस्ट्रेलियन बजीज, और इनके भी बच्चे जो हैं वो मर गए। इसके देखे पर भी नए आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं। तो इसके भी इसका भी दूसरा अंडा आ गया। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि दोनों एक साथ अंडे दे रही है। अब इनके बच्चे भी जो है ना वो एक साथ ही निकलेंगे। तो अभी बाहर वाले परिंदों को देखते हैं, और मुर्गियों को मैंने दोपहर के टाइम किया था बंद, तो अभी उनको जाके हम खोलते हैं। ये देखें, ये भी सीटियाँ मारने लग गए हैं। और उसके बाद माशाल्लाह से डायमंड डव जो है, हमारी जो ये वाली डव है ना, ये भी सुबह से नेस्ट पे बैठी है। तो इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने सोचा ये बैठी रहे, क्या पता ये अंडा दे दे। और उसके बाद ये भी देखें, ये सब जो है मेरे इंतज़ार में थे, इनका दाना जो है वो ख़त्म। और भाई ने मुझे बताया कि एक जो है फिंच, उसके पर जो है वो टूटे हुए हैं, मतलब कि उसके पर जो है ना वो झड़ रहे हैं। तो इनमें से अब पता नहीं कौन सी है। इन दोनों का मुझे बताया था, इन दोनों में से कोई है कि, और कह रहा था कमज़ोर भी हो रही है बहुत, तो पता नहीं कौन सी है यार, मुझे समझ नहीं आ रही इनकी कौन सी वाली है। तो यार इनका तो पानी भी ख़त्म हो चुका है, और इनका भी। तो अभी इनको पानी भी डालते हैं, दाना भी डालते हैं, तब तक मुर्गियों को मैं निकालता हूँ बाहर, ताकि ये बाहर चली जाएँ और कुछ खा पी लें। बाकी जो है इनको मैं दाना डाल देता हूँ, रैबिट्स जो हैं वो अंदर हैं। अभी जो है मैंने इनको शाम की डाइट दे दी है। देखें मुर्गियाँ भी इधर खा रही हैं, रैबिट्स भी, और ये सब भी शाम की डाइट खा रहे हैं। तो अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करते, ताकि ये वाला रिंग जो पेयर है वो आ जाए और यहाँ पे आके दाना खा रहे हैं। बाकी सब तो खा रहे हैं, सिर्फ वो जो है ना वही नहीं खा रहे। तो इनको डिस्टर्ब नहीं करता, मैं थोड़ा साइड पर जाता ताकि ये भी नीचे आके और खा लें। सोच रहा था कि बुलबुल का बच्चा जो है वो मैं टेम कर लूँ, पर जो है ना फिर मुझे ये एहसास हुआ कि इन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत की, घोंसला बनाए। और देखिए अभी मुझे देख के आ गई है, अगर अटैक करने की कोशिश कर रही है वो बैठी हुई है। तो इन्होंने इतनी मेहनत की, घोंसला वगैरह बनाया है, तो इस वजह से क्या पता मेरे पास वो सर्वाइव ना कर पाए और मर जाए। तो एक ही बच्चा है बेचारियों का, तो मैंने सोचा इस बार रहने देते, जब बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे ना इनके, मतलब कि जब ये ज़्यादा अंडे देंगे, दो तीन या चार अंडे देते हैं, तो उनमें से जो है ना इनके बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो जब बहुत सारे बच्चे आएंगे ना, फिर वो उनमें से हम एक जो है वो टेम करेंगे। तो अभी इसकी ओर मैं नहीं टेम करता, एक ही बच्चा है मुझे क्या आगे वहाँ पे जाके बैठ गई। इन्होंने समझा कि बच्चे के साथ कोई हरकत करेगा या कुछ, ये देखें वहाँ पे जाके बैठ गई।
फिर मुझे अटैक करने की कोशिश करी थी मेरे ऊपर, और अभी जाके वहाँ पे बैठ गई तो हट जाता हूँ। और ये देखें मुर्गियों से लड़ लड़ के अभी अभी वापस आया है ये, और उसके बाद ये सब इधर हैं, और नई वाली मुर्गी हमारी वो जो है वो बाहर ही है अभी। ये देखें मुर्गियाँ जो है वो अंदर चली गई चारों उधर, एक जो है इधर, इसको यहाँ से भगाते हैं, यहाँ पे हम पिंक वाले जूते को बंद करेंगे। उठो उठो, ये जाएगी अभी यहाँ से, बहुत डर रहे हैं, ये नहीं जा रही, इसको पकड़ना पड़ेगा। लेन का दरवाज़ा बंद करते हैं वरना ये बाहर आ जाएंगे, इसके पास फिर इसको पकड़ते हैं। अब फिर इसको निकालते हैं बाहर, क्या बता ऐसे निकला है, क्या बताओ। नहीं निकल रही बाहर, जा रही है जा रही है जा रही है, देखें निकल गई। पीछे वाला दरवाज़ा आप खोल देते हैं ताकि इसमें चली जाए। जाओ जाओ जाओ, अभी चली जाएगी। तो अब सारी मुर्गियाँ इधर आ गई, इनको बंद कर देते हैं, अभी मैं जाता हूँ कबूतरों को बंद करता हूँ, और पिंक वाला चूल्हा जो है हमारा उसको भी यहाँ पे लेके आता हूँ, उसको भी यहाँ पे आके बंद कर देता हूँ। ये दो इधर बैठे हैं, लक्की पिजन हमारे दो इधर बैठे हैं, तो इधर देखते हैं कितने हैं, इधर चार पाँच छः हैं, और बाकी एक इधर बैठा हुआ है, ये सात हो गए इधर। इनको कर देते हैं बंद, उसके बाद आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, और सोलह कबूतर जो है टोटल इधर हैं। तो यार ये बच्चे जो है वो देख देख के अंडे इनके, ये ईंटें हटा देते हैं यहाँ से, तो इसको भी बंद कर देते हैं, बाकी रहेगा चूजा। चूजा बच्चों को बोलता हूँ वो पकड़ के और जो है ना बाहर वाले केज में शिफ्ट करके आएंगे, ये यहाँ पे ये मैं उठाता हूँ, ये भी इतना भारी है। वे भी सेफ हो गए और बंद हो गए, उसके बाद चूज़ा वो देखिए वहाँ पे बैठा हुआ है, इसको मैं पकड़ता हूँ अभी, ये पकड़ा गया, तो इसको बाहर बड़े वाले केज में शिफ्ट करते हैं, वरना बिल्ली के आने का टाइम है, इसको उठा के ले जाएगी। कबूतरों के साथ बंद नहीं कर सकते, कबूतर इसको मारेंगे या ये खुद उन्हें मारेगा, तो अभी इसको बाहर शिफ्ट करते हैं। ये जो है इस वाले केज में चला गया, इसको भी लॉक कर देते हैं, बंद हो गया, अब सारे सेफ हैं।